हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी रिव्यूज। और आज जो है हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं कि जो अनबॉक्सिंग है वो है एक मेमोरी की, और ये कोई ऐसी वैसी मेमोरी नहीं है, ये है M.2 मेमोरी जो कि SSD है, NVMe। सो NVMe जो है काफी फास्ट जो है डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है सपोर्ट करती है। सो रीजन क्या है, ऑलरेडी जो है मेरे पास 2 हार्ड डिस्क, मैकेनिकल हार्ड डिस्क थी, एक 1 TB की, एक 500 GB की। उसके साथ साथ मेरे पास एक SSD भी है किंगस्टन की, वो है 240 GB की। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपग्रेड किया जाए, और जैसे कि आपको पता ही है कि सेल चल रही थी अमेजोन पे, सो मैंने परचेज कर ली ये किंगस्टन की A2000 M.2 SSD विद NVMe टेक्नोलॉजी। सो चलिए इसको करते हैं हम अपने PC में इंस्टॉल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स रिमूव द ग्राफिक कार्ड। इट्स अ सिंपल टेक्निक। आपको जो दो स्क्रूज यहाँ पे दिए हुए हैं मेरे साइड पे कैबिनेट में, और इसको जो है आपने रिमूव करना है। सिंपल इजी टेक्निक है। इसको जब रिमूव कर लेंगे तो ये जो पैनल है इसका, ये बाहर आ जाएगा। मेक श्योर यू आर ग्राउंडेड। आप जो है, क्योंकि अगर आपने उसको मदरबोर्ड को टच कर लिया यूजिंग योर हैंड्स, और अगर आपके हैंड्स में कोई भी चार्ज है तो वो जो है मदरबोर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपका मदरबोर्ड जो है खराब हो सकता है। सो ये हमने निकाल लिया अपना ग्राफिक कार्ड। अब जो है हम ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे CPU फैन के नीचे, अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे जो है हम इंस्टॉल करेंगे अपनी SSD। स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को अनस्क्रू करना पड़ेगा। सो ये एक छोटा सा स्क्रू है, इसका साइज जो है स्मॉल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्क्रूज जो कंप्यूटर में लगे होते हैं। और मेक श्योर जो प्लेन वाली साइड है यहाँ पे वो आएगी नीचे, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है किंगस्टन, ये वाली साइड जो है अप साइड पे आएगी। वैसे भी आप इस स्लॉट के साथ देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर स्लॉट दिया गया है जो स्मॉल सा कट है यहाँ पे, वो कट जो है एक ही पोजीशन पे जाएगा, इसी पोजीशन में जाएगा। तो दूसरी पोजीशन में आप वैसे भी लगा नहीं सकते उसको, तो गलती होगी नहीं, बट फिर भी मैंने फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। सो लेट्स जस्ट इंस्टॉल दिस थिंग। सो इंस्टॉल हो गई है, तो ये थोड़ी सी उठी रहती है। अब बस हमने क्या करना है, इसको पकड़ के स्क्रू को इसके साथ लगा देना। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है काफी ट्राई किया कि जो मेरा विंडोज 7 है उस पे जो है मैं इंस्टॉल कर पाऊं इस M.2 SSD को, बट बहुत कुछ करने के बाद भी मुझे जो है इश्यू जो है वही सेम था, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली मुझे क्या करना पड़ा, मुझे विंडोज 8.1 जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ी इस पे। सो चलिए अब इसको मैं करके दिखाता हूं। टीवी पे जो है काफी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, सो काफी अच्छा जो है स्क्रीन के ऊपर जो है क्रिस्प क्वालिटी कह सकते हैं हम उसको, जो हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कैमरा थोड़ा सा जो है फोकस में इशू कर रहा है, खैर कोई नहीं। सो एक सिंपल सी चीज जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं, एक फाइल ट्रांसफर करते हैं हम फ्रॉम द नॉर्मल SSD टू द M.2 SSD। सो पहले मैं आपको दिखा दूं यहां पे
नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं पहले, सो लेट्स गो टू फाइल। सो जो ये सी ड्राइव आप देख रहे हैं यहाँ पे, सी ड्राइव जो है मेरी, लेट मी जस्ट ज़ूम इन। सो जो सी ड्राइव है यहाँ पे वो 440 GB की है, और इसके अंदर जो मैंने सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं, और 465 की जो है 500 GB में से 465 GB जो है वो अवेलेबल थी, जिसमें से 440 GB अभी फ्री है ड्राइवर्स इंस्टॉल कर। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विंडोज 7 पे जो है बूट इन करेंगे और देखेंगे कितना टाइम लेता है, पूरा लॉग इन करके देखेंगे, मैंने पासवर्ड डाल दिया है, सो लेट्स सी कितना टाइम लेता है। सो सबसे पहले विंडोज 7 ऑन नॉर्मल SSD, सो इसके लिए जो है ये हमने कर दिया स्टार्ट, और इसमें जो है हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, सो पासवर्ड डाल के देखेंगे, स्टॉप वॉच चल रही है। जल्दी से हम एक बार क्रोम खोल के देख लेते हैं साथ में, तो ये काम उधर भी करेंगे। सो अराउंड 25 सेकंड्स का जो है इसने टाइम लिया है, और गूगल क्रोम को ओपन करने में अप्रोक्सीमेटली 25 सेकंड्स। अब हम जाएंगे अपना विंडोज, फ्रेंड्स अब हम जो है विंडोज 8 पे भी देख लेते हैं कितना टाइम लेता है। सो लेट्स स्टार्ट द, ये तो बायो स्क्रीन है, स्टार्ट द स्टॉप वॉच, ये जो सर्कल आया तो इसे हमें पता चलता है विंडोज जो है बूट हो रही है। सो और ये गए हम डेस्कटॉप पे, और ये गए बूट ब्राउजर ओपन किया। सो आप देख सकते हैं लगभग जो है 10 सेकंड फास्टर है, थोड़ा सा मुझे जो है इसके अंदर जो है एडिशनल स्क्रीन पे जाना पड़ा था, आप लगा लो 15 सेकंड में जो है ये काम हो सकता है। सो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से मैं एक सिंगल फाइल जो है अराउंड जो है 3.5 GB की जो है वो डाउनलोड कर कॉपी कर रहा हूँ फ्रॉम मैकेनिकल ड्राइव टू नॉर्मल SSD नॉट M.2। सो उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने स्टॉप वॉच भी ऑन कर ली है, सो लगभग जो है 26 सेकंड्स। अब हम क्या करेंगे, एक SSD का डेटा जो है M.2 पे जो है कॉपी करेंगे, वही सेम 3.5 GB का। सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉपवॉच। सो फ्रॉम SSD टू M.2 SSD, सो इट्स डन विद इन 8 सेकंड्स। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक मैं क्विक टेस्ट करने वाला हूँ, मैं जो है अपनी SSD जो नॉर्मल है मेरे पास उस किंगस्टन की, उससे जो है एक GTA 5 का फोल्डर है जो अराउंड 67 GB का है, वो मैं कॉपी करने वाला हूँ इन M.2 स्लॉट वाली हार्ड डिस्क में, SSD में सॉरी। सो लेट्स डू, और उसके साथ साथ जो है मैं अपने जो है यहाँ पे स्टॉप वॉच भी ऑन कर दूंगा। सो लेट्स पेस्ट एंड स्टार्ट। So, मैंने स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। लेट्स सी 64 GB के जो डेटा है उसको कॉपी होने में कितना टाइम लेता है। सो फ्रेंड्स माइंड यू लेट मी जस्ट स्टॉप, सो 2 minutes and 55 seconds। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देख ही लिया कि जो मैंने एक बड़ी फाइल जिसके अंदर मल्टीपल फाइल थी, GTA 5 की जो गेम थी जो 67.4 MB की थी, उसको अप्रोक्सीमेटली जो है 2 minutes और आई थिंक 50 seconds के अराउंड जो है वो विद इन मतलब 3 minutes जो है वो कॉपी हो गई मल्टीपल फाइल्स के साथ ही 67 GB का डेटा फ्रॉम SSD टू M.2।
और बूट में आपने देख लिया जो बूटिंग टाइम है, विंडोज 7 जो है वो SSD पे चल रही थी और विंडोज 8.1 जो है वो चल रही थी हमारी इस पे M.2 पे। तो जब हमने जैसे ही बूट किया तो नॉर्मल SSD जो थी उसने अराउंड लिया 26 सेकेंड्स का टाइम, जबकि M.2 में 15 सेकेंड्स के अंदर ही जो है बूट कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं स्पीड का डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड्स का जो है डिफरेंस हमें मिला नॉर्मल SSD से M.2 NVMe में। सो लेने का जो है मेन रीज़न यही था कि इसके अंदर जो है हमारे को, देखिए इसके अंदर 500 GB की कैपेसिटी है ही है, 500 GB की कैपेसिटी जो है हमारे को, जो ये इसका प्राइस पड़ा वो 5000 का पड़ा, 5000 क्योंकि अभी जो है सेल चल रही थी अमेज़ॉन पे। और उसके साथ साथ जो इससे पहले मैंने 240 GB की किंगस्टन की जो नॉर्मल SSD ली थी वो मुझे पड़ी थी 7000 की, और ये आज की डेट में उससे भी सस्ती मिली है जो कि सिर्फ 5000 की पड़ी मुझे, 500 GB M.2। और मेरे कंप्यूटर में स्लॉट था ही M.2, मैं और ज़्यादा जो है बल्कि हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लेना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपग्रेड किया जाए टू समथिंग न्यू। सो इसी वजह से मैंने जो है इसको परचेज किया, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो हिट द लाइक बटन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और इनमें जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, मैं विंडोज 7 पे बहुत कोशिश करी पर नहीं चली, सो आप विंडोज 8 ही इंस्टॉल करें, उसके अंदर ही इसको यूज़ करें, मे बी शायद ये कंपेटेबल नहीं है। सो होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।